चेंज कर रहे थे, चेंज के अंदर तीन क्वेश्चन और पेंडिंग है जो हम चेंज में करेंगे, और एक क्वेश्चन अभी मैं आपको दूंगा करने के लिए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। ओके, क्वेश्चन इज, लेट अस सपोज आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, ये ना इलास्टिक स्ट्रिंग है, इलास्टिक है, इलास्टिक स्ट्रिंग का मतलब ये ना कुछ स्प्रिंग की तरह एक्ट कर सकती है, खिंची हुई है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो ये एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, ये इसलिए खिंची हुई है क्योंकि इसके नीचे मैंने क्या लगा रखी हुई है, चेन, एक चेन लटका दी जिसका मास एम और लेंथ एल है, तो रबर की, रबर बैंड की तरह है और ये खिंच गई है। इसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो है 2H और इस टाइम इसकी लेंथ कितनी है, 2H, ठीक है। वैसे ओरिजिनल कितनी थी, H, लेकिन इस चेन की वजह से कितनी हो गई, 2H, ठीक। क्वेश्चन ये है, बताओ इस चेन को मैं कहां से काट दूं, सीजर से काटना चाहता हूं ताकि थोड़ी हल्की हो जाए, और बताओ मैं इसको कहां कट करूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मान लो यहां पर मैंने इसको कट किया ताकि ये चेन नीचे गिर जाए, बची हुई चेन, ध्यान से सुनना, बची हुई चेन स्ट्रिंग से ऊपर 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 जाएगी, झटका लगेगा एकदम ऊपर की तरफ, ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए, हिट ऐसे ना करे बड़ी जोर की, बस इतना ऊपर जाए कि इसका पहला लिंक सीलिंग को टच कर जाए, बस टच करे और फिर नीचे गिर जाए, मतलब ये नहीं कह रहा छत को जाके हिट करे, ये ऊपर गई और यहां से नीचे आ गई, तो पहला लिंक ऊपर छत को टच करे। और किसी का आ जाए तो x इज इक्वल टू एल बाई फोर आना चाहिए, और ये इक्विलिब्रियम में है, अब इक्विलिब्रियम काटने से पहले इक्विलिब्रियम में है, जब काट दिया तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन। यू कैन टेक दिस स्ट्रिंग एज अ स्प्रिंग, ऑब्वियसली स्प्रिंग एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होगी ना, तो आपको इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट नहीं गिवन, पहले आपको इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट निकालना पड़ेगा, यू कैन ट्रीट लाइक अ स्प्रिंग, तो आपको पहले स्प्रिंग कांस्टेंट खुद निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम गिवन है, और इक्विलिब्रियम का मतलब नीचे की फोर्स इज इक्वल टू ऊपर की फोर्स, ऊपर की फोर्स के इन टू एक्सपेंशन, नीचे की एम जी, तो वहां से देखो कैसे करोगे, के आएगा फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा।
ठीक देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम के अंदर मान लो ये के है और सपोज के इनटू डेल्टा एक्स एक्सपेंशन है, स्प्रिंग की फोर्स है, मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द चेन कितना एम जी। तो के इनटू डेल्टा एक्स जो भी फोर्स है स्प्रिंग की तरह ट्रीट करो, तो के इनटू एक्सपेंशन क्या होता है फोर्स ऑफ द स्प्रिंग, रिस्टोरिंग फोर्स जिसको वापस लेके आ रहा है, मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द चेन। और मुझे पता है कि इसमें एक्सपेंशन कितनी है, नई लेंथ कितनी है 2h, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, तो क्या आएगा 2h माइनस h इज इक्वल टू एम जी। तो k इंटू h इज इक्वल टू एम जी और यहाँ से k इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय h। चलो k तो कम से कम आया, ठीक। नेक्स्ट जब आप इसे कट करोगे तो ये चेन ऊपर आएगी, इसके पास क्या है स्प्रिंग एनर्जी, वो स्प्रिंग एनर्जी खत्म हो जाएगी, एक्सपेंशन तो खत्म हो जाएगी और ये चेन ऊपर जाएगी एंड इट विल गेन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्प्रिंग एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, देखो जब ये खिंचा हुआ है तो स्प्रिंग की एनर्जी बोलो कितनी, हाफ के डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, डेल्टा एक्स इज एक्सपेंशन, तो ये स्प्रिंग की एनर्जी है, कोई डाउट इसमें, इज इक्वल टू। अब जब ये चेन ऊपर जाएगी यहाँ पे तो मैं पोटेंशियल एनर्जी गेन करवाऊंगा कितनी, मास इंटू जी इंटू हाइट, ठीक है एम जी एच ऊपर इंक्रीज हो जाएगी। और काइनेटिक की बात, इस टाइम सब रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, और जैसे ही ये ऊपर जाएगा मैंने बोला था किसी वेलोसिटी से हिट नहीं करवाना, बस यहीं तक जाना चाहिए, तो उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी चेन की क्या हो जाएगी जीरो, उसके बाद वो नीचे आ जाएगी, तो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट की जहां चेन जा सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों केस में विल रिमेन जीरो, बचेगी क्या स्प्रिंग एनर्जी। तो जब ये चेन यहां पर है नीचे है तो स्प्रिंग की एनर्जी है, और जब ये ऊपर चली जाएगी तो स्प्रिंग की एनर्जी इसमें जीरो हो जाएगी और सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। बस कोई मुझे ये बता दे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के डेल्टा एक्स कितने टू एच माइनस एच, मास बोलो क्या लेंगे, स्ट्रिंग का तो मास नहीं, रबर बैंड का तो कोई मास नहीं, चेन का ही मास है, तो बोलो मास फिर क्या लें, सेंटर ऑफ मास पे रहता तो टोटल मास है, एम बाई टू थोड़ा होता है, लेंथ को हाफ करते हैं, मास को थोड़ा हाफ करते हैं, बोलो एम बाई एल इंटू एक्स, बहुत बढ़िया एक ही बारी में सही, क्योंकि ये वाली चेन तो गिर गई नीचे, काटने के बाद नीचे गिर गई, तो बचा हुआ मास कितना हुआ m by l into, इसकी लेंथ कितनी है x, m नहीं बोलना, बची हुई चेन ऊपर जा रही है तो बची हुई चेन का मास कितना है m by l into x। ये पॉइंट समझ में आया, अगर लेंथ l है तो मास कितना है पूरी चेन का m, वन है तो एम बाय एल, और अगर एक्स है तो एम बाय एल इंटू एक्स नहीं होगा, इसलिए एम बाय एल इंटू एक्स। जो कटी हुई चेन है वो तो गिर गई ना, वो तो छोड़ दो, अब ऊपर वाली जाने वाली चेन की बात कर रहे हैं, तो एम बाय एल इंटू कितना एक्स इंटू जी, हाइट बोलो कितने लोग बोलते हैं टू एच, कैसे बोलते हैं टू एच वैसे इतनी जल्दी, 2h plus x भी बोलते हैं, नहीं बोलते, ओके 2h plus x भी बोलते हैं। जो लोग 2h plus x बोलते हैं वो ये बोलना चाहते हैं ये 2h है और ये x है, वो ये बोल रहे हैं कि मास सारे का सारा यहीं पड़ा हुआ है और ये जाके छत को टकराएगा, तभी बोल रहे हैं ना 2h plus x, ये तुम्हें टकराएगा यार, ये टकराएगा, सिर्फ इसने टकराना है, तो क्या लेंगे
टू एच, लेकिन मैं इसको देखते हुए टू एच नहीं बोल रहा, मैं ये देख रहा हूं कि अगर मान लो ये पेन है ये चेन की तरह, ये मास जब ऊपर गया तो एक्चुअल में इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा है, चेन के केस में सेंटर ऑफ मास लेते हैं ना, तो अगर ये वाला पोर्शन 2h ऊपर गया तो ये वाला पोर्शन भी 2h ऊपर गया, सेंटर ऑफ मास भी 2h ऊपर गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब कि ये जो मास मैंने लिया ये कहां पर लिया, इसके सेंटर ऑफ मास पे लिया टोटल मास। तो अगर चेन का ये वाला लिंक 2h ऊपर गया तो सेंटर ऑफ मास भी ऑब्वियसली उतने अमाउंट से ऊपर शिफ्ट हो गया बाय एन अमाउंट ऑफ कितना, 2h। ठीक, तो पूरी चेन ही 2h ऊपर चली गई, तो हर पॉइंट 2h शिफ्ट हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 2h शिफ्ट हो गई। k की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दो, सॉल्व कर लो, x की वैल्यू चेक कर लो, l बाय 4 आ जाएगी सॉल्व करके। ठीक, एक आइडिया पता लग रहा है कि कैसे स्प्रिंग एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल में? ठीक है यहां तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज देयर इज अ चेन, किसी ने इस चेन को हाथ में पकड़ा हुआ है, ग्राउंड। ठीक, किसी ने इस चेन को छोड़ दिया, फ्री फॉल, चेन नीचे गिरनी शुरू हुई, तो कुछ देर पे आप देखोगे तो डायग्राम ऐसा बन जाएगा, चेन नीचे गिर रही है किसी इंस्टेंट पर, चेन इकट्ठी हो रही है यहां पे, ऐसा कुछ ढेरी बन जाएगी नीचे, अभी गिर रही है नीचे की तरफ, दो इंस्टेंट बनाया मैंने, मास चेन का एम ए और लेंथ एल ए, मास एम ए लेंथ एल ए। आपको ये बताना है कि ये चेन जब नीचे गिर रही है तो कितनी फोर्स लगाएगी ये टेबल के ऊपर, फाइंड फोर्स एग्जर्टेड बाय चेन ऑन टेबल। हर इंस्टेंट पर चेंज होगी क्योंकि जैसे चेन नीचे गिरती जा रही है वैसे वैसे फोर्स बढ़ती जा रही है, और ये आपको इसमें निकालना है कि कितनी फोर्स लगेगी। कुछ लोग कहेंगे जो पूरी की पूरी चेन नीचे गिर जाएगी तो वेट एमजी लग जाएगा, बात खत्म हो गई। ठीक, पर आपको ये प्रूव करने रहा, मैं आपको कुछ और तरीके से क्वेश्चन पूछता हूं कि अभी तक कितनी चेन नीचे गिरी है, कुछ अमाउंट ऑफ चेन नीचे गिरी है, इस इंस्टेंट पर प्रूव करो जो फोर्स है इस थ्री टाइम्स वेट ऑफ चेन लाइंग ऑन टेबल। आपको प्रूव करना है जैसे जैसे वेट बढ़ता जा रहा है उस इंस्टेंट पर जो फोर्स है वो थ्री इंटू वेट ऑफ द चेन लाइंग ऑन टेबल के इक्वल होगा। आपको ये फोर्स थ्री टाइम्स क्यों है, वेट के इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये चेन टेबल पे पड़ी हुई है जो पोर्शन बचा हुआ है वो तो टेबल के ऊपर फोर्स लगाएगा लगाएगा, ऊपर से चेन किसी वेलोसिटी से हिट कर रही है टेबल को, और देयर इज चेंज इन मोमेंटम, वो हिट कर रही है किसी वेलोसिटी से तो जोर की गिर रही है ना, जोर लगा रही है गिरते हुए वेलोसिटी के साथ, तो वो भी फोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो इसमें एक्चुअल में टेबल के ऊपर दो फोर्सेज लगेंगी, एक तो ये चेन का भार जो टेबल पे गिरा हुआ है वो तो एक्ट करेगा ही करेगा वेट, साथ में जो लिंक नीचे गिर रहा है और जो मोमेंटम में चेंज लेके आ रहा है किसी वेलोसिटी से गिर रहा है वो भी ऐड होगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये चेन ऐसे थी, मैं कोई भी एक लिंक ले लेता हूं, ये ले लिया और मैंने इसको कितने डिस्टेंस पे लिया, वाई डिस्टेंस पे लिया। ठीक, मान लो ये कभी ना कभी नीचे गिरेगा, जब ये नीचे गिरेगा तो किसी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, जैसे इस टाइम ये रेस्ट पे है तो इनिशियल
जो वेलोसिटी है इंस्टेंट पर क्या है, जीरो। इस स्मॉल पोर्शन का मास लेट अस सपोज डीएम है, और ये पोर्शन कितना बड़ा है, डी वाई, डी वाई। और जब इसको रिलीज करोगे तो ये नीचे फ्री फॉल से गिर रहे हैं, तो कितने वेलोसिटी से हिट करेगा, अंडर रूट ऑफ टू जी वाई। ठीक, तो ये वेलोसिटी भी तो फोर्स लगाएगी, वेलोसिटी मीन्स चेंज इन मोमेंटम, एकदम वेलोसिटी या फिर जीरो हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, देयर सम चेंज इन मोमेंटम, तो ये तो फोर्स लगाएगी लगाएगी, साथ में ये पूरी चेन जो टेबल पे बैठ जाएगी आके, उसका वेट भी तो ऐड होगा। तो जब ये लिंक के नीचे गिरने की बारी आएगी, तो दिस वेट ऑफ द चेन प्लस इसका चेंज इन मोमेंटम, रेस्ट पे आने से इसका मोमेंटम चेंज, वो दोनों फोर्स लगाएंगे किसी इंस्टेंट पे, अगले इंस्टेंट पे और चेन नीचे गिरेगी तो फोर्स और बढ़ जाएगी। तो आपको इंस्टेंटेनियस फोर्स निकालनी है, किसी इंस्टेंट पर क्या फोर्स लग रही है। क्या आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी हो गई कि फोर्स बढ़ती जाएगी टेबल के ऊपर, ये समझ में आ रहा है क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अगर आपने लिंक नीचे वाला लिया तो बस इतनी सी चेन नीचे गिरेगी और इसका चेंज इन मोमेंटम, लेकिन अगर आप ऊपर ले रहे हो तो इस पूरी चेन का वेट प्लस इसका चेंज इन मोमेंटम, तो जितना ऊपर जाओगे उतनी फोर्स बढ़ती जाएगी, गिरना तो टेबल पे ही है ना। तो यानी कि टोटल फोर्स टेबल के ऊपर जो होगी इज सम ऑफ एफ वन एंड एफ टू, एफ वन का मतलब दिस इज वेट ऑफ चेन लाइंग ऑन टेबल, और ये दिस इज फोर्स ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम, दिस इज फोर्स ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम। तो दो वजह से यहां पर फोर्स होगी, ठीक, करके दिखाता हूं देखो कैसे। सबसे पहले मैं ये वेट निकालता हूं, टेबल के ऊपर कितना वेट पड़ा होगा। तो जब ये लिंक नीचे गिरेगा, ये लिंक नीचे गिरेगा, तब तक ये पोर्शन ऑफ द चेन टेबल पे इकट्ठा हो जाएगा, और इस पोर्शन का वेट बोलो क्या होगा, एम बाई एल इंटू कितना, इंटू जी, मास पर यूनिट लेंथ इंटू वाई इंटू जी। तो यहां तो सीधी वैल्यू आ गई, एम बाई एल इंटू वाई इंटू जी, ठीक है यहां तक। ये तो गिरेगा गिरेगा साथ में, अब वो लिंक नीचे आएगा, वो लिंक क्या करेगा, चेंज इन मोमेंटम करेगा, तो उसका डीवी बाई डी टी, तो एम बाई एल इंटू वाई इंटू जी प्लस चेंज इन मोमेंटम निकाल लें। चेंज इन मोमेंटम में मास डीएम वी वेलोसिटी से गिर रहा है इन टाइम डीटी, ये मास डीएम वी वेलोसिटी से हिट करेगा जब इसकी नीचे गिरने की बारी आएगी, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, डीएम जो हिट करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ वी इन टाइम डीटी, और डीएम की वैल्यू क्या होगी बोलो, डीएम इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू, ये लेंथ कितनी है डीएम की, डी वाई, तो एम बाई एल इंटू डी वाई। अगर वाई लेंथ का वेट निकालना है तो एम बाई एल इंटू वाई, और अगर डीएम का निकालना है तो लेंथ डी वाई पुट करनी पड़ेगी। मास आ गया यहाँ पे डीएम, ये स्टेप क्लियर है, पुलकित? तो डीएम की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, तो यू विल गेट एम एल वाई जी, डीएम की जगह एम एल डी वाई बाई डी टी, डी टी इन टू वेलोसिटी वी, लेकिन डी वाई बाई डी टी क्या होती है, खुद वेलोसिटी वी, डी वाई बाई डी टी वेलोसिटी वी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एम एल वाई जी एम एल वी का स्क्वायर, एम एल वाई जी एम एल वी का मतलब क्या है, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ टू जी वाई का होल स्क्वायर, इसको एड करो, दिस प्लस दिस थ्री टाइम्स एम बाई एल इंटू वाई इंटू क्या आएगा जी, दैट इज थ्री टाइम्स, और ये है क्या, दिस इज वेट ऑफ चेन लाइंग ऑन टेबल, तो टेबल के ऊपर किसी भी इंस्टेंट पर यही वेट ऑफ चेन होता है, इसके थ्री टाइम्स आंसर आएगा, आइडिया पता लगा। तो फिर देखो एक बार, जब ये लिंक नीचे गिरेगा तो इसका वेट तो ऐड होगा ही होगा, साथ में इसका चेंज इन मोमेंटम भी होगा। इसका वेट तो हमने निकाल लिया m बाई एल इंटू वाई इंटू जी, चेंज इन मोमेंटम डी पी बाई डी टी, डी पी क्या होता है, इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी, डी एम इंटू वी, डी एम की जगह m बाई एल इंटू डी वाई, डी वाई बाई डी टी वी, वी इंटू वी, वी स्क्वायर, वी हमने निकाला हुआ है, ऐड करोगे आंसर।
नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन करें चेन्स में। लास्ट क्वेश्चन सबसे टिपिकल क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर उसके बाद इसको ब्रेक किया गया,
और इसका एक पार्ट मेंस में आया और नीट लेवल मुझे लगता नहीं है कि आएगा, बट ये टेक्निक इम्पॉर्टेंट है, मेडिकल वाले लोग समझ लें। कुछ प्लस टू के ऐसे टॉपिक्स हैं जो टेक्निक के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो ये ना सोचें कि आएगा कि नहीं आएगा, बट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि लेट अस सपोज देयर इज अ चेन एंड इस बार ये जो चेन है एक हेमिस्फेयर के ऊपर पड़ी हुई है, ये रही चेन। ठीक, लेट अस सपोज एल लेंथ की चेन है, एम मास की चेन है, टॉप ऑफ द हेमिस्फेयर पे पड़ी हुई है कुछ इस तरीके से, और रेडियस इसका आर है हेमिस्फेयर का। आपने क्या किया, आपने इसको हिला दिया, फ्रिक्शन नहीं है, और चेन ने नीचे गिरना शुरू कर दिया, तो किसी इंस्टेंट पर चेन यहां पर आ चुकी है अभी तक। ठीक, यहां तक आई है, गिर रही है, और सपोज कितना नीचे आ चुकी है, बाय एन एंगल ऑफ थीटा नीचे आ चुकी है, शिफ्ट हो चुकी है बाय एन एंगल ऑफ थीटा। आपको यह बताना है किसी भी इंस्टेंट पर जब इसका एंगल थीटा हो गया है तो वेलोसिटी वी कितनी है चेन की। यू हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी वी, उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी वी क्या होगी, हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी चेंज होगी, जैसे जैसे चेन नीचे आएगी वेलोसिटी बढ़ती 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 जाएगी, तो इस इंस्टेंट पर जब एंगल थीटा हो गया तो वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी भी इस इंस्टेंट पर क्या होगी, हाँ स्लिप करती हुई जा रही है। कॉन्सेप्ट ये होगा, ये ग्राउंड है, आप ये ग्राउंड है इनिशियली, आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो पहले पूरे चेन की, जब आपने इसको रिलीज नहीं किया। कैसे निकलेगी पोटेंशियल एनर्जी, इस पोर्शन की अलग है, इसकी हाइट अलग है, इसकी ज़्यादा इसकी ज़्यादा इसकी ज़्यादा इसकी ज़्यादा इसकी सबसे ज़्यादा हाइट बढ़ती जा रही है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। फिर उसके बाद आप फिर से पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो इस सिस्टम की, थोड़ी कम हो गई ना, नीचे आ गई, फाइनल एनर्जी निकाल लो पूरी चेन की। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गई, डिक्रीज क्यों हो रही है, काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, तो जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी विल बी कन्वर्टेड इंटू काइनेटिक, हाफ एम वी स्क्वायर, वहां से वी आएगा, तो वी तो बहुत आराम से आ जाएगा, पर पहले एनर्जी निकाल लें यू, तो पहले उस पोर्शन की उस स्नैपशॉट की एनर्जी निकाल लें यू कितनी है। तो इसको करने की टेक्निक देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, कोई भी स्ट्रिंग हो, कोई भी चेन हो, कोई भी रिंग हो, और आपको रिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो एक ही टेक्निक है, ये प्लस टू तक काम आती है। आप सबसे पहले रिंग का एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर करो, लेट अस सपोज ये मास कितना है डीएम, इस रिंग का मास कितना है डीएम, छोटा मास ले लिया आपने, और इस एलिमेंट ने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया जाके यहां सेंटर पे, ये सेंटर है, लेट अस सपोज डी अल्फा, कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा स्मॉल एलिमेंट लेना है, स्मॉल एलिमेंट कितना एंगल सबटेंड करेगा, स्मॉल एंगल डी अल्फा, कुछ भी कोई भी डी थीटा डी अल्फा जो आपके मन में आए बनाते जाओ साथ साथ।
और ये एलिमेंट आपने कहाँ लिया? लेट अस सपोज ये एलिमेंट जो लिया आपने एट एन एंगल ऑफ किस पे लिया? एल्फा। देखो ना, ये एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के लिए एल्फा क्या होगा? जीरो। लास्ट एलिमेंट के लिए अल्फा बढ़ता जाएगा, तो एलिमेंट की पोजीशन बतानी पड़ेगी, एलिमेंट लिया कहाँ। तो पोजीशन बताने के लिए हम क्या बताते हैं? वर्टिकल के साथ एंगल, ठीक। और ये एलिमेंट की जो हाइट है वो कितनी है? लेट अस सपोज एच है, मेरे को निकालनी तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो हाइट तो चाहिए होगी एच। और इसका रेडियस कितना चल रहा है चेन का? आर। अगर ये एल्फा दिस इज वेरी स्मॉल, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस एल्फा, एल्फा तो 90 में, टोटल एंगल 90। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इस ट्राइंगल के अंदर साइन ऑफ 90 माइनस एल्फा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई आर। तो यहां से कॉस ऑफ एल्फा इज एच बाय आर, तो एच की वैल्यू क्या आ गई? आर कॉस एल्फा। तो आपको ये पता लग जाता है कि हाइट की वैल्यू किसके इक्वल है? आर कॉस एल्फा। ठीक, ठीक है यहां तक। इसका मास कितना है? डीएम। इसकी हाइट कितनी है? एच। तो इसकी स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? डी यू इज इक्वल टू डी एम इंटू जी इंटू कितना? एच। स्मॉल मास की स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना, चेन की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सभी एलिमेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पहले हमने स्मॉल मास लिया, स्मॉल मास की स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी और सभी चेन के छोटे छोटे एलिमेंट्स कंसिडर करके उसकी टोटल एनर्जी निकाल लेंगे हम। ये पॉइंट समझ में आ गया। डीएम निकाल लें, डीएम की सपोज ये जो लेंथ है वो मान लो डीएल है, स्मॉल लेंथ डीएल है, तो बोलो ये डीएम मास किसके इक्वल होगा? एम बाय एल इंटू डीएल। चेन का मास एम है और टोटल लेंथ एल है, तो डीएम मास किसके इक्वल आएगा? एम बाय एल इंटू डीएल। क्लियर है? मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ डीएल अभी किया था हमने, ठीक है यहां तक ये पोजिशन। और लास्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, उसके बाद सब ठीक है। ये जो सेक्टर देख रहे हो, ये छोटा सेक्टर है सर्कल का, इस सेक्टर में एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, एंगल इज आर्क बाय रेडियस। एंगल कितने है? डी अल्फा। आर्क कितने है? डीएल। और रेडियस कितने है? आर। तो यहां से डीएल की वैल्यू क्या आ गई? आर इंटू डी अल्फा। इस डीएल को उठा के यहां पुट कर देंगे तो डीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम बाय एल इंटू आर इंटू डी एल्फा। ठीक है, डीएम में पुट कर दिया तो डीएम की वैल्यू आ गई। ठीक, इस मास को यहां पुट करते हैं, स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपके पास एम बाय एल इंटू आर इंटू डी एल्फा इंटू जी इंटू एच। एच की जगह क्या पुट कर सकते हैं? अभी निकाला था हमने, कितना था? आर कॉस एल्फा, यही था ना, आर कॉस एल्फा। तो स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ गई एम बाय एल आर स्क्वेयर जी कॉस एल्फा डी एल्फा। तो आप एक चीज नोट करें, आपकी इंटीग्रेशन अल्फा में चल पड़ी और वेरिएबल इसमें अल्फा है, एंगल की फॉर्म में इंटीग्रेशन कर ली कन्वर्ट। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या किया, हमें ये पोजीशन चेन की गिवन थी, अभी तो चली नहीं चेन, इस पोजीशन की एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल कितनी है। हर एलिमेंट की हाइट डिफरेंट है तो एनर्जी डिफरेंट है। हमने पहले स्मॉल एलिमेंट ले लिया, एच हाइट पर लिया, एच हमने बाय रेशियो, और ये जो एलिमेंट है इसमें स्मॉल एंगल डी एल्फा
बनाया सेंटर पे, और ये एलिमेंट वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल पे है, तो हमने इस ट्राइंगल को लेके एच निकाल लिया। पोटेंशियल एनर्जी डी एम इंटू जी इंटू एच कर दी। डी एम निकालने के लिए इसका इसकी लेंथ डी एल ली, डी एम इज एम बाई एल इंटू डी एल लिया। डी एल निकालने के लिए एंगल इज आर्क बाय रेडियस लिया, डी एल आ गया। डी एल को उठा के यहाँ पुट कर दिया तो डी एम आ गया, डी एम को यहाँ पुट किया तो एनर्जी आ गई। अभी क्या निकला, स्मॉल एलिमेंट की एनर्जी निकली। टोटल एनर्जी पूरे चेन की निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन से पूरे सिस्टम की एनर्जी यू आई आ गई, एम बाई एल इंटू आर स्क्वायर इंटू जी, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी कॉस एल्फा डी एल्फा, करें इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या लगानी पड़ेगी, लिमिट। लिमिट देखो क्या लगेगी, लिमिट के लिए अब ध्यान से देखना, ये चेन है, इनिशियल सिचुएशन चेन की ये गिवन है, ठीक, सच दैट ये देखो इस चेन ने, इस चेन की लेंथ कितनी है, एल है, रेडियस कितना है, आर है, तो बताओ ये अप्रोक्सीमेट एंगल क्या होगा। ये जो एंगल होगा इसको हम लिख सकते हैं आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, पूरा का पूरा चेन का आर्क कितना है, एल, और रेडियस कितना है, आर, तो एंगल इज आर्क बाय रेडियस, टोटल एंगल कितना है, एल बाय आर, ठीक। अब मुझे बताओ कि हमने ये एलिमेंट लिया था डीएम, तो पूरी चेन की लिमिट लगाने के लिए जो पहला एलिमेंट है ये लिया जाएगा, पहले एलिमेंट का अल्फा एंगल, ये जो अल्फा लिया था ना हमने यहां पे, ये वाला अल्फा, पहले एलिमेंट के लिए अल्फा क्या होगा, जीरो, अल्फा जीरो होगा तो एलिमेंट यहां आ जाएगा। आखिरी एलिमेंट यहां पर आएगा, इसका फाइनल एंगल क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू एल बाय आर, एल बाय आर में पूरी की पूरी चेन कवर हो जाती है, तो लिमिट लगेगी जीरो से लेके एल बाय आर। ये स्टेप समझ में आया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने ये एंगल स्मॉल एलिमेंट जो लिया था, ये देखो ये ऐसे है, ये एल बाय आर है, जब पहला एलिमेंट लेंगे ये वाला तो वर्टिकल के साथ इस एलिमेंट का एंगल तो कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा, और सारी चेन्स में से सबसे आखिरी एलिमेंट यहां लिया जाएगा, आखिरी एलिमेंट वर्टिकल के साथ टोटल एंगल कितना बनाएगी, तो पहले एलिमेंट ने जीरो, आखिरी ने एल बाय आर, तो जीरो से लेके एल बाय आर में पूरी की पूरी चेन कवर हो जाती है, यानी कि पूरी पोटेंशियल एनर्जी निकल आती है पूरी चेन की जब हम लिमिट लगाते हैं जीरो से लेके एल बाय आर। जीरो एंगल पे पहला एलिमेंट है, एल बाय आर पे आखिरी एलिमेंट है, तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एम बाय एल इंटू आर स्क्वायर इंटू जी, इसकी इंटीग्रेशन साइन अल्फा होती है जीरो से लेके एल बाय आर, तो आंसर आएगा एम बाय एल आर स्क्वायर इंटू जी साइन ऑफ एल बाय आर माइनस साइन ऑफ जीरो, साइन जीरो इज जीरो। तो ये आपके पास इनिशियल एनर्जी आ गई। लग ही रहा होगा एडवांस का क्वेश्चन है, मेंस नीट के बस और स्कूल के बस का नहीं है, जो उसमें मेंस में आया वो ये आया, फाइंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बस आधा ये तो आ ही सकता है। नीट में चांस थोड़ा कम है, इतना बड़ा इंटीग्रेशन टाइप नहीं आ सकता, तो मेडिकल वालों के लिए थोड़ा एक्सक्यूज कर सकते हैं इसे, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टेक्निक इंपॉर्टेंट है, ये अभी नहीं फंसोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फंस जाओगे प्लस टू में, वो तो वहाँ तो करना पड़ेगा, तो सीखने में क्या है, कुछ ऐसे 8-10 क्वेश्चन आएंगे 2 साल में, तब तक ठीक हो जाएगा, फर्स्ट टाइम अजीब लगेगा, सेकेंड टाइम ठीक लगेगा, फिर लास्ट देख लो सारा कुछ। अब सिचुएशन ऐसी है, इस सिचुएशन में चेक करो ये एंगल कितना था, एल बाई आर जो पूरी की पूरी चेन बना रही है, तो यहाँ तक एवरीथिंग विल रिमेन सेम, फाइनल एनर्जी विल बी इक्वल टू एम बाई एल इंटू आर स्क्वायर इंटू जी इंटू साइन एल्फा। अब लिमिट चेंज हो जाएगी, अब पहला एलिमेंट यहां पर है और यहां पर वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना हुआ है, थीटा, और आखिरी एलिमेंट कहां पर है, यहां पर, तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना हुआ है, थीटा प्लस एल बाय आर, बस अब फाइनल एनर्जी आ जाएगी, बाकी सब सेम है, तो लिमिट से चेंज करनी है, तो इनिशियली जीरो से एल बाय आर इनिशियल सिचुएशन आ जाएगी, थीटा से थीटा प्लस एल बाय आर फाइनल आएगी, तो फाइनल एनर्जी पुट कर लेना, फाइनल एनर्जी आपके पास आ जाएगी साइन ऑफ थीटा प्लस एल बाय आर माइनस साइन ऑफ थीटा, फाइनल एनर्जी आ गई। आप एक काम करना, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी विल गिव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों आपको पता है, यहाँ से वी का बहुत बड़ा आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा छोड़ो, पर आपको
एनर्जी निकालनी आ गई चेन की, बस इंपॉर्टेंट है।